सब्सक्राइब कीजिए बैंकिंग गुरु जी चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बैंकिंग गुरु जी चैनल के एक और फ्रेश इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं स्वप्निल आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे पता है ऑलमोस्ट एक महीने के गैप के बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं, मगर इस एक महीने के गैप में भी आपने अपना प्यार और सपोर्ट जो है वो जारी रखा और इसी वजह से 22 अप्रैल 2019 को हमारे चैनल ने कंप्लीट कर दिए हैं 2 साल यूट्यूब पे। जी हाँ, बैंकिंग गुरु जी चैनल ने 2 साल यूट्यूब पे कंप्लीट कर दिए हैं और ये सभी आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही पॉसिबल हो सका है। तो सबसे पहले आप सभी को हाथ जोड़कर धन्यवाद, थैंक यू। अब इस वीडियो के जरिए मैं 2 बड़ी अनाउंसमेंट करूंगा, वो अनाउंसमेंट क्या होगी ये वीडियो के आखिर में आपको पता चलेगा। तब तक बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जहां पर हम बात करेंगे 20 रुपए के नए नोट के बारे में। जी हाँ, तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार 26 अप्रैल 2019 को 20 रुपए के नए नोट के बारे में प्रेस रिलीज जारी किया है। ये नया 20 रुपए का नोट दिखने में कैसा होगा, इसकी खासियत क्या होगी, ये सारी चीजें इस प्रेस रिलीज के जरिए बताई हैं। आरबीआई के नोटिफिकेशन के मुताबिक ये नया नोट जारी होने के बाद भी पुराने नोट चलन में बने रहेंगे, यानी आप कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए पुराना या फिर नया 20 रुपए का नोट इस्तेमाल कर सकते हैं। महात्मा गांधी सीरीज के 20 रुपए के नए नोट की साइज 63 mm चौड़ी और 129 mm लंबी होगी। अब बात करते हैं नोट के अगले हिस्से की। आरबीआई द्वारा पेश किए गए 20 रुपए के इस नए नोट के आगे के हिस्से पर महात्मा गांधी जी का फोटो बीच में है। यहीं पर आपको नोट का मूल्य हिंदी और अंग्रेजी अंकों में लिखा हुआ नजर आएगा। आरबीआई, भारत, इंडिया और 20, ये माइक्रो लेटर्स के रूप में आप इस नोट पर देख सकते हैं। सुरक्षा पट्टी पर भारत और आरबीआई लिखा है। महात्मा गांधी जी के फोटो के राइट हैंड साइड पे गारंटी क्लॉज के नीचे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो नए गवर्नर है मिस्टर शक्तिकांता दास, इनके आप सिग्नेचर देख सकते हैं। साथ ही साथ आरबीआई का प्रतीक चिन्ह और अशोक स्तंभ भी आप यहां पर देख सकते हैं। नोट का सीरियल नंबर लेफ्ट टू राइट बढ़ते आकार में नोट के राइट हैंड साइड में निचली बाजू में लिखा हुआ है। अगर नोट के पिछले हिस्से की बात की जाए तो नोट के पिछले हिस्से पर लेफ्ट हैंड साइड में प्रिंटिंग ईयर, स्वच्छ भारत का लोगो और स्लोगन और उसी के साथ देवनागरी में 20 रुपए और भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है। नोट के बीचों बीच अलग अलग लैंग्वेजेस में 20 रुपए लिखा हुआ है और उसके बगल में खूबसूरत एलोरा की गुफाओं का चित्र भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। एक बिल्कुल नई डिजाइन के साथ आया हुआ ये 20 रुपए का नया नोट ग्रीनिश येलो कलर का है। जैसे ही ये नया नोट मेरे पास अगर आ जाता है तो बैंकिंग गुरु जी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल में आप इसे देख सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि उनको पता चले 20 रुपए का नया नोट जो मार्केट में आ रहा है वो किस तरह का है। और आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसे ही नए नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आता हूं। तो अब बात करते हैं अनाउंसमेंट के बारे में। तो सबसे पहली अनाउंसमेंट ये है कि हम मंडे के बजाय ट्यूजडे पे इस चैनल पे वीडियो अपलोड करेंगे, यानी हमारी मुलाकात अभी मंडे के बजाय ट्यूजडे मॉर्निंग होगी। तो आगे चलकर हमारे चैनल पे जो कुछ भी नई वीडियोस आने वाली है वो ट्यूजडे मॉर्निंग 9:30 को आएगी। तो ये टाइम जो है वो याद रखिए और दिन भी याद रखिए, ट्यूजडे मॉर्निंग 9:30। तो अब बात करते हैं दूसरी अनाउंसमेंट के बारे में। अगर आप बैंकिंग गुरुजी चैनल के इंस्टाग्राम प्रोफाइल को फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा कि बीच में हमने एक पोल लिया था कि हमें वीडियो हिंदी में बनानी चाहिए या फिर मराठी में। तो ज्यादातर लोगों ने मराठी के लिए वोट किया था वहां पर, और इसी के चलते हम जल्द ही मराठी में बैंकिंग गुरुजी ये चैनल लाने वाले हैं, जहां पर ऑलमोस्ट हर फ्राइडे मैं मराठी वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करूंगा। 99% केसेस में टॉपिक दोनों चैनल पे डिफरेंट रखने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी, मगर जहां पर कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो वहां पर मैं दोनों चैनल पर सेम टॉपिक कवर करूंगा। अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, अगर आप मराठी है तो चैनल को जाकर जरूर फॉलो कीजिए, कारण आपण घेऊन येतो आहे मराठी बैंकिंग गुरुजी चैनल, त्यामुळे चैनलला सब्सक्राइब करायला विसरू नका। तो मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।